जय शिव शंभु भक्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अघोरी बाबा की अघोर शक्ति मंत्र हो टोटके के अंदर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको जल्द से जल्द प्राप्त करा सकें। भक्तों, चलिए भक्तों, आज हम जानते हैं अपने शत्रु की दुर्घटना कराने का यह आसान टोटका। इस टोटके से आप अपने शत्रु की दुर्घटना करा सकते हो, उसका एक्सीडेंट करवा सकते हो, चाहे उसके पास कार हो चाहे उसके पास बाइक हो, तो आप इस टोटके की सहायता से आप उसकी दुर्घटना करवा सकते हो। चलिए भक्तों, हम जानते हैं इस टोटके के बारे में। टोटका करने से पहले हम भक्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, तो ये खासकर आप बात हमारी ध्यान रखें। यह टोटका आपको किसी के गलत मकसद के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई शत्रु परेशान करता है तभी आप इस टोटके को कीजिएगा। ऐसे हमने ये टोटका किसी के गलत मकसद के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाया है, तो हमारी ये छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बात को खास कर ध्यान रखिए, किसी के गलत मकसद के साथ आपको ये टोटका बिल्कुल भी नहीं करना है, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप भक्तों किसी के गलत मकसद के साथ ये टोटका करते हो तो आप इस बात का खास कर ध्यान रखें, तो इसमें नुकसान उसका कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नुकसान जो होगा वो आप ही का होगा। इससे जो नुकसान होने वाला होगा उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर हो जाएगा, तो आप इस बात का खास कर ध्यान रखें। अगर आपको शत्रु परेशान करता है तब आप इस टोटके को जरूर कीजिए, उसकी दुर्घटना कीजिएगा। इस टोटके से होगा क्या, उसकी मृत्यु भी हो सकती है आपकी शत्रु की, उसकी दुर्घटना से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, चेतावनी आप खास कर ध्यान रखें। चलिए भक्तों, हम जानते हैं इस टोटके की विधि के बारे में, यह टोटका आपको कैसे करना है और किस विधि के साथ करना है। सबसे पहली बात यह है कि देखो भक्तों, यह टोटका आपको सिर्फ मंगलवार के दिन करना है। समय होना चाहिए आपका दोपहर का, दोपहर के टाइम पे ही आपको ये टोटका करना है। तो इसके अंदर आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी वो खासकर ध्यान रखिए भक्तों। सबसे पहले भक्तों, आपको एक सफेद कागज लेना है और 5 लौंग लेनी है और एक नींबू लेना है और एक आपको काला मार्कर पेन लेना है। फिर भक्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शत्रु के पास जो आपका दुश्मन है उसके पास कौन सी कार है या उसके पास कौन सी बाइक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आपको उसका नाम भी ध्यान रखना है और उसके कार या बाइक के नंबर भी आपको याद रखना है। तो आपको फिर क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं, आपको सबसे पहले सफ़ेद कागज पे उसका नाम लिखना है और अपने शत्रु की क्या जाति है उसकी जाति लिखनी है और उसकी क्या गोत्र है वो गोत्र भी उसकी लिखनी है आपको, और उसकी गाड़ी का क्या नाम है उसकी गाड़ी का नाम लिखना है, अगर उसके पास बाइक है तो उसकी बाइक का नाम लिखना है, अगर उसके पास कार है तो उसका कार का नाम लिखना है, और उसके कार या बाइक के क्या नंबर है वो आपको नंबर भी लिखना है, वो भी काले पेन से लिखना है। और आपको एक अपने शत्रु की फोटो होनी चाहिए जिसकी आप दुर्घटना करवाना चाहते हो। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसकी फ़ोटो लेनी है और एक सफ़ेद कागज़ लेना है जो आपको A4 वाला लेना है, उसके ऊपर आपको सबसे पहले उसकी पूरी डिटेल्स निकलनी है, कार का नाम, उसका नाम, उसकी गोत्र, उसका नंबर, तो कार का जो भी बाइक का नंबर है वो भी आपको लिखना है। ऐसे करने के बाद क्या करना है, हम आपको जो मंत्र बताएंगे उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। भक्तों, हम आपको मंत्र जो है वो आपको वीडियो के अंत में बता देंगे, क्योंकि इस मंत्र का उच्चारण आपको 11 बार करना होगा। कितनी बार करना है, 11 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। भक्तों, हमने जो आपको मंत्र बताया है, हमारा मंत्र पूर्ण तरीके से सिद्ध किया हुआ है।
अतः आपको मंत्र सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको वीडियो के अंदर जैसे जैसे आपको बताया है, सिर्फ आपको वैसे वैसे ये टोटका करना है। इसी के साथ फिर आपको आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण कर लो, मंत्र का उच्चारण करने के बाद क्या करना है, हमने जो आपको नींबू बताया है उस नींबू के अंदर जो हमने आपको 5 लौंग बताए हैं, वो लौंग आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है जो हमने आपको मंत्र बताया है। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हो जाए वो 1 लौंग उस नींबू के अंदर डाल दे। फिर दोबारा क्या करना है, जैसे ही मंत्र का जाप हो जाए फिर वापस वो लौंग उसके अंदर डाल दे। फिर क्या करना है, फिर भी जैसे ही मंत्र का उच्चारण हो जाए फिर वो उसके बाद भी वो लौंग उसके अंदर डाल दे। ऐसे करके वो 5 लौंग उस नींबू के अंदर डाल देनी है और उसकी जो फोटो है और जो सफ़ेद कागज है उसको आपको जला देना है। जलाने के बाद क्या करना है, उसकी थोड़ी सी जो राख है वो उस नींबू पे लगा लेनी है आपको। फिर आपको क्या करना है कि उसकी जो कार या उसकी जो बाइक है उसका जो टायर है उसके आपको नीचे उस नींबू को रख देना है। ऐसे करने से जो आपका शत्रु है उसकी दुर्घटना हो जाएगी और उसका एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो इस जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा आपका दुश्मन। टोटका करते समय आपको खास कर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ आप खास कर ध्यान रखें। टोटका करते समय आपको कोई देखे नहीं, और ये टोटका आप जब भी करें अकेले में करें, कोई आपको देखे नहीं। और जब आप नींबू रखो उसके टायर के नीचे उस वक्त भी आपको कोई देखे नहीं, तो ये चीज़ें आपको खास कर ध्यान रखनी है। अगर यदि आपको कोई देख लेता है तो ये टोटका आपका सिद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा, ये खास कर आपको बातें ध्यान रखनी है। ऐसे करने से क्या होगा भक्तों, आपका जो शत्रु है उसकी मृत्यु हो जाएगी दुर्घटना के दौरान। आपकी जैसी इच्छा है वैसे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन वो तभी होगी अगर आपका शत्रु आपको परेशान करता हो। ऐसे आप सोच रहे कि उसको परेशान करना है तो ये टोटका आपका बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ आप खास कर ध्यान रखें। हमने जो टोटका बनाया है भक्तों, हमने ये किसी के गलत मकसद के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाया है, तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी के गलत मकसद के साथ ये टोटका बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस टोटके से नुकसान क्या होगा कि फिर आप ही को पहुंचेगा। अगर आप किसी के गलत मकसद के साथ करते हो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, उल्टा आपके ऊपर नुकसान पहुंचेगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ये चीज़ें आपको खास कर ध्यान रखनी है। ऐसे करने से क्या होगा कि शत्रु आपका जो उसका शत्रु की मृत्यु हो जाएगी भक्तों, और इसी के साथ ही ये टोटका आपका सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो भक्तों हमने इस टोटके के अंदर आपको इस टोटके की विधि भी बताई है, ये टोटका आपको कैसे करना है और किस विधि के दौरान करना है, हमने आपको सभी चीज़ें इसके अंदर बताई है। अगर भक्तों आपको किसी कारण हमारी बातें कुछ आपको समझ में नहीं आई है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए हमारे गुरुजी के नंबर वीडियो के अंत में आपको लिखकर उपलब्ध करवाए हैं, तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क करके अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है उनका आप गुरुजी से समाधान करवा सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी को एक बार जरूर बताएं, वो आपकी समस्या का 100% आपको समाधान करके देंगे। हमने गुरुजी के नंबर आपको वीडियो के अंत में बताए हैं, वो भी लिखकर बताए हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखकर उपलब्ध करवाए हैं। अगर भक्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को हमारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जिससे कि हमारी जो भी आने वाली नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी हम आपको जल्द से जल्द प्राप्त करा सकें। और अपने भाई बंधु को हमारी वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी उनकी भी कोई समस्या हो तो उनका भी समस्या का उनको समाधान मिल सके हमारी इस वीडियो के दौरान। इसी के साथ ही भक्तों, जय शिव शंभु, हर हर महादेव।